तो मेरे पे सबसे पहले आपको करना क्या है, तो कि अपने मोबाइल के अंदर जीमेल नाम का एप्लीकेशन को कर लेना ओपन। ठीक है, यहाँ पे सबके फोन आजकल हर एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आ जाता है, यहाँ से मैं कर लिया ओपन। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनेज योर गूगल अकाउंट। ओके ना, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब मेरे भाई अच्छे से सुन लेना, अब यहाँ से होती है सही वीडियो की शुरुआत। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आगे जाओगे तो होम का मिल जाएगा, पर्सनल इन्फो का मिल जाएगा, डेटा प्राइवेसी का मिल जाएगा, और चौथे नंबर पर मिल जाएगा सिक्योरिटी का। आपको बस सिंपल से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूरा का पूरा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको सबसे एंड में मिल जाता है पासवर्ड मैनेजर। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारे पासवर्ड यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लिक। उसके बाद देखो दोस्तों, एक जीमेल आईडी नहीं, आपकी सारी सोशल मीडिया चीज़ें, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिस्कॉर्ड का पासवर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, फेसबुक का आईडी और पासवर्ड दोनों आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए होंगे, जैसे HP.com हो चुका है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पे। ओके ना, सारा मिल जाएगा, किस नंबर से लॉगिन है, कौन सा पासवर्ड है। लेकिन हमारा काम है फिलहाल कि हमें गूगल जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे google.com लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके बाद आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपके जितने भी जीमेल होंगे वो सारे के सारे जीमेल यहाँ पे आ जाएंगे, वही जीमेल के सारे पासवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। पासवर्ड देखने के लिए आपको ये वाली जगह पे आई वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। मैं आपको दिखाने के लिए पहले ये वाली आई पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो मेरा पासवर्ड भी आ चुका है। ये वाली आई पे क्लिक कर लेना है, ऐसे मुझे मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा। ओके ना, तो इसी तरीके से कुछ आप लोग भी अपने मोबाइल के अंदर अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हो। अब बात रही उन लोगों की, भाई अगर जीमेल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आपके लिए सिंपल सोल्यूशन के छोटा सा, बस आपको बैग आ जाना है। बैग आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में ही रहना है, थोड़ा सा आपको ऊपर चले जाना है। और मेरे भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर आओगे सिक्योरिटी में ही, तो यहाँ पे मिल जाता है पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। मेरे भाई जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ सेकंड तक कर लेना वेट, अभी फिलहाल मेरा नेटवर्क स्लो है। ओके, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड मांगेगा, लेकिन आप लोग बोले भाई हमें तो हमारा पासवर्ड पता नहीं है, तो आपको क्या डालना है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे दबाना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये मेरी गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से अगर फोटो आ जाए तो समझ जाना कि आपकी जीमेल का पासवर्ड आप लोग पता कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अनलॉक करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू पे। यहाँ पे करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट अभी मांगेगा। ठीक है, ये देखो मांगा, मैं दे देता हूँ फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये देखो मैंने दे दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों खुल के आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो। बस अब आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपको नया पासवर्ड रखना है, ठीक है, वो पासवर्ड तो आप लोग भूल चुके हो, तो उसको अब आप लोगों को हमेशा के लिए भूल जाना। अब आपको नया पासवर्ड बना लेना है और उसको यहाँ पे डाल देना है, फिर दूसरी बार यहाँ पे डाल देना है, और फिर आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, फिर आपको बोलेगा वापस से कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको वापस से चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, आपका नया पासवर्ड ऐड हो जाएगा। अब आप लोग भूलो ना, इसलिए ये यहाँ पर आप लोग जो भी पासवर्ड डालते हो ना, दोनों जगह पर सेम पासवर्ड डालना है और कहीं पर लिख के रख लेना है, ताकि आप लोग को आगे जाकर कभी भी भूलने वाली दिक्कत ना आए। ठीक है, और जो याद रहे ऐसा पासवर्ड यहाँ पे डालना। तो भाई मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी जीमेल आईडी गया है, उसका पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो। सर मैंने आपको पासवर्ड चेंज करके भी बता दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पहली बार ट्रिक में किया तो चीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी जीमेल आईडी नहीं शो होगी, तो उनके लिए मैंने ये वाला तरीका दे दिया। ठीक है, आप लोग ये वाला तरीका आज मैं लेना, फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये वाला आपका पासवर्ड भूलने